हाय, माय नेम इज मुकेश एंड आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो सीरीज में। इस सीरीज का नाम है इंट्राडे कॉम्बो। जैसा कि आप इसमें थंबनेल्स में देख रहे हो, ना थीटा का टेंशन ना ही गामा का टेंशन, इंट्राडे कॉम्बो अर्न 2000 डेली का। तो ये जो हमारा न्यू वीडियो सीरीज है, इसमें आपको डेली का दो सेटअप्स मिलेंगे। एक नियर अबाउट में 22,000 का है, दूसरा सेटअप हमने 32,000 नियर अबाउट का है। इस दोनों सेटअप्स में आप अपनी जो भी आपके पास फंड है, उस फंड के हिसाब से आप इसको मेटलाइज कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, आप एक कॉम्बो बना सकते हो। अब ये बनेगा कैसे, मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो मैं सेटअप करके दिखाऊंगा कि वो वहाँ पे करना कैसे और कैसे इस कॉम्बो को तैयार करना है आपके फंड के अनुसार। अगर आपके पास 20,000 सेटअप्स है, 22 to 25,000 सेटअप्स है, तो आप सेटअप वन को सीधा एग्जीक्यूट कर दो। अगर आपके पास 32,000 से 35,000 के नियर अबाउट है, आप सीधा इस सेटअप्स को कॉपी करो और एग्जीक्यूट करो। तो जो भी हमने इसमें नंबर डाला है, उस नंबर के हिसाब से डालो और एग्जीक्यूट करो। इसमें इस एंट्री और एग्जिट कैसे करना है, वो भी हमने पूरी डिटेल्स के हिसाब से मैं दिखाया, मैं बता भी दूंगा। उसमें काम कैसे करना है आपको, उसके हिसाब से करना है, राइट। ये डेली का दो सेटअप्स आपको मिलेंगे। जैसे लास्ट 3 डेज से इसमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करा है। जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। और लास्ट अगर वो देखें, दो लास्ट 3 डेज से इसमें 2,000 से 2,200 और 3,000 के नियर अबाउट इसमें प्रॉफिट जनरेट हुए। नाउ अब आपका इस सेटअप्स को तैयार कैसे करेंगे, मैं उसमें चल के देखता हूँ, आपको दिखेगा कि हम कैसे कर रहे हैं। नाउ जैसे कि हमारा ये पहला सेटअप, जिसमें 5 स्टॉक्स को हमने सेलेक्ट किया, जिसका नाम है विटिंग्स, जिसका ग्लेनमार्क, पावर ग्रिड, HDFC और दीपक एंटर। तो आप इसमें 4-5 शेयर्स हैं, 5 स्टॉक्स हैं। इन 5 स्टॉक्स को हमने जैसे फर्स्ट में डाला है 20 नंबर ऑफ स्टॉक्स। अगर शेयर देखेंगे तो उसमें 20 है, इसमें ग्लेन्स में 30 है और इसमें पावर ग्रिड 50 है, HDFC में 20 है और दीपक एंट्रियर में 3 है। और इसके अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो 22,188 रुपीस का बनता है। अगर आपके पास उतना फंड नहीं है, आपके पास सिर्फ 10,000 है या फिर आपके पास 5,000 है, तो मैं उसके हिसाब से भी आपको एक मॉनिटर कंप्लीट सेटअप कॉम्बो बना के दे दूंगा। आपको उस सेटअप से के हिसाब से आपको काम भी करने हैं। जैसे कि कल का सेटअप है, मैं आप कल के देखोगे, मैंने आपको बार बार कहा था कि डेक्सन को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि डेक्सन एक ऐसा आज का हाईली प्रॉफिटेबल्स देने वाला स्टॉक्स था, जो कि एक सेटअप, मैंने कल कहा था कि 1500 नियर अबाउट देगा, लेकिन ये 1500 नहीं दिया, नियर अबाउट 800 रुपीज बना के दिया है। तो ऐसे ही आपको काम करने हैं, और एक्चुअली एंट्री और एग्जिट कैसे करना है, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट दूसरा सेटअप्स है, वो सेटअप्स हमारे नियर अबाउट आपको मैंने बोल दिया, दिखेगा जैसे 5, इसमें 5 स्टॉक्स है, आपको यहाँ पे दिखेगा 5 स्टॉक्स यहाँ पे है, राइट। दूसरा जो सेटअप्स है हमारा 9 स्टॉक्स के हैं, 9 स्टॉक्स के हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे आर्ट इंडस्ट्रीज है, तो सॉरी आरती इंडस्ट्रीज है, इसमें आपको 10 स्टॉक्स हमने लिया है, 10 शेयर्स लिए हैं। आपको पिटिंग्स में देखोगे तो आपको नियर अबाउट 20 शेयर्स है, और ग्लेन मार्क देखोगे इसमें 50 शेयर्स हमने लिए हैं, पावर ग्रिड में 50 लिए हैं, HDFC बैंक में भी 20 लिए हैं, दूसरा इसमें आपको दीपक एंटर्स में 10 लिए हैं, और GEPIL में 20 लिए हैं, NTPC में 30 है, और जुबली फूड्स में आपको 10 स्टॉक्स है, तो 10 शेयर्स है। इस तरह से आपके एक कंप्लीट कॉम्बो बनता है। ये नियर अबाउट 32,000 के हैं। अगर आपका यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सेटअप्स में आपके 22,188.55 रुपीज़ के हैं, और सेकंड जो हमारा है सेटअप, वो 32,320 रुपीज़ का बनता है। अब इसमें है कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम एंट्री कितनी कर लेंगे। एंट्री आपको एक्चुअली क्या है कि अगर कल, जैसे आज हमने ये सेटअप तैयार करके रखा है, आप इस सेटअप्स को अपने जो भी आप डीमेट अकाउंट्स, आप जिस भी डीमेट अकाउंट्स पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको ये सेटअप्स को कंप्लीट लगा दें। AMO में आपको लगाना है, ताकि कल जैसे ही स्टॉक्स आपके 9 बजे ये स्टॉक्स ओपन होते हैं, तो एक्सचेंज के पास ये चला जाता है, और जाने के बाद इमीडिएटली आपके पास कंफर्मेशन भी आ जाएगा। वो कंफर्मेशन होता है 9:09 पे, आपके पास कंफर्मेशन आ जाता है कि आपके स्टॉक्स
पोजीशन में दिखने शुरू हो जाएंगे जो आपको मिल चुके हैं। इससे ये होता है कि जो भी स्टॉक्स में आपके जैसे ही जाएंगे, सपोज कोई स्टॉक्स आज ओपन हुआ 5 पॉइंट से ओपन हुआ है और मे बी 10 पॉइंट से ओपन हुआ और मे बी 15 पॉइंट से, जो इनिशियल स्टेप्स में जाके हिट करते हैं वहां पे आपके ये स्टॉक्स बाय हो जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जो आपको बाय हो जाएंगे और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो इस हिसाब से हमें करना है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात है कि एंट्री आपका हो गया, आपको एक कंफर्मेशन 9:15 में भी आ गया है, 9:09 पे, मैं इसको चेंज भी कर दूंगा थोड़ा, 9:09 पे आपको कंफर्मेशन हो जाएंगे। एग्जिट कैसे करना है? आपको मैंने देख बताया कि जो भी स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स में चल रहा है आपको जाना है, या दो आपको अगर चेक करना है, एक 1 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट का चार्ट पे, या 5 मिनट के चार्ट पे, जो भी चेक करना है आप 3 मिनट्स के चार्ट पे चेक कर सकते हैं, 1 मिनट के चार्ट पे भी चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, चेक करना है 9:35 टू 9:55 के बीच में, और मे बी उससे थोड़ा सा 5 मिनट आगे और 5 मिनट पीछे होता है, तो वहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये स्टॉक्स लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक पिक पॉइंट्स आने के बाद वहाँ से नीचे फॉल डाउन जैसे स्टार्ट होता है, तो आप वहाँ पे अपने जो भी आपके नंबर्स है उसका, अगर आप जिनको लग रहा है यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई जाएगा तो, बट आपको 9:55, 9:35 से लेकर 9:55 के बीच में जो भी हाई वॉल्यूम्स मिलता है ना, हाई आपको हायर हाई मिलता है, वहां पे आपको एग्जिट कर जाना है। राइट, कोई स्टॉक ऐसा जो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपको वहां पे वेट करना है थोड़ा सा, अगर हो सकता है नीचे जाए फिर ऊपर जाए, इस तरह से होता है, तो आपको वेट करना है 1:55। अगर ऐसा भी कोई और स्टॉक्स होता है जो बहुत ही लो तरीके से बढ़ रहा है, मतलब उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे मूवमेंट आ रहा है और उसमें बहुत ज्यादा इस तरह से लो कूड़ है, तो आप उस पर वेट करें। होता है, क्या होता है कि कोई स्टॉक्स बहुत फास्ट भागता है तो वहां पे जल्दी निकलना है, कोई स्टॉक धीरे भागता है उससे फास्ट नहीं, फास्ट होता है लेकिन उतना नहीं होता है, तो आपको वो 1:55 पे निकलना है। कोई स्टॉक ऐसा होता है जो कि बहुत ही स्टेप्स धीरे चलता है, उसमें प्रॉफिट तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, आपको एक क्या होता है कि उसमें मूवमेंट हाईली मूवमेंट नहीं आता है इनिशियली, जब वो 2 बज के या 3 बजे के आसपास आता है तो उसमें बहुत फास्ट मूविंग आता है, तो वो मूविंग को आपके कैप्चर हो जाएंगे, तो आपके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। राइट, चलिए उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, सीधा आपको लेके आता हूँ कि आपको इसमें स्टॉक्स में जाना क्या है, आपको क्या करना है। कुछ नहीं, मैंने आपको बहुत तरीके से सब कुछ बताया था, ऑल न्यूज में एंट्री करना है, जैसे कि मैं आपसे सेलेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको धीरे धीरे जाना है, जैसे ऑल करोगे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स को यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद इसके लिंक को क्लिक करेंगे, जैसे ही ये लिंक क्लिक होगा आपके पास चार्टिंग का ये सेटअप्स बनके तैयार हो जाएगा। राइट, अभी क्या करना है, इसमें जो भी ये चीज तैयार हो रहा है, जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में आपको कुछ भी टच नहीं करना है, आपको कहाँ पे टच करना है, कैश लिखा हुआ है कैश पे जाना है, यहाँ पे फीचर्स है फीचर्स पे लिखा हुआ जाना है, रन स्कैन पे क्लिक करना है, आपको रन इस पे क्लिक करने के बाद ये सारे आपको स्टॉक्स आ जाएंगे। अब स्टॉक्स में यहाँ पे देखो आपको क्या है, 1.844% से ग्रोथ है, आपको ये लेना नहीं, क्योंकि इसमें आप अगर एंट्री लेते भी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हाईली मूवमेंट नहीं मिलेगा, आपको प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा खासा जो मूवमेंट होता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो बेस्ट क्या होगा, आपको जैसे ये मतलब आपको 3 से ऊपर ही लेना है, तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट लिमिटेड है और दीपक नाइट्राइट लिमिटेड में आपको इसको सेलेक्ट करना है और आपकी लिस्ट में डाल देना है। बट अब अगर चाहते हो कि इतना सारा बार बार ना जाए तो आप क्या करोगे, सीधा यहाँ पे टाइप करोगे 10 लिख रहे हैं 10 डेज ब्रेकआउट स्टॉक, 10 डेज ब्रेकआउट स्टॉक यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लो, तो आपका ये ओपन होगा जैसे कि यहाँ पे ओपन। अगर आपने यहाँ पे फीचर्स के जैसे रन स्क्रीन में करके रखा है तो आपको ये सारे आप यहाँ पे देखोगे, पावर ग्रिड, ग्लेनमार्क, दीपक नाइट्रेट, HDFC बैंक, जुबलीपुर, ये सारे आ गए, जैसे आरती इंडस्ट्रीज, NTPC, राइट, जो हमने वहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है, और कुछ एक है पिडिलाइट, एक और स्टॉक्स है, सो पिडिलाइट है या फिर कुछ और है, मैं देखना पड़ेगा, शायद यही है, राइट, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ही है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखना पड़ेगा, मैंने स्टॉक्स को मैं चेक करके आपको बताता हूँ वो भी क्या। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको जो भी फंड यहाँ तक आप ले सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज हमें इसमें दिखते हैं, वो कैसे दिखा है मैं आपको चेक करके वो भी बताता हूँ।
आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो आपको क्या करना है, सपोज आप जो भी डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हो आपको उस अकाउंट में जाना है। हमने यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा था, लेकिन 99% से ग्रोथ करना है तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा। राइट, अब यहाँ पे देखो मैंने पावर ग्रिड डाला है, उसके बाद ग्लेन मार्क का लेना है। आप यहाँ पे देखो पावर ग्रिड है, ग्लेन मार्क है, दीपक नाइट्रेट है, HDFC बैंक है, जूबी फूड है, आरती है, यही सारा स्टॉक्स यहाँ पे हैं NTPC तक है। उसके बाद एक और स्टॉक्स है GEPIL, वो सारे स्टॉक्स आपको कैसे हैं। इस एग्जाम्पल मैं एक को जाता हूँ पावर ग्रिड, पावर ग्रिड में आप जाके देखोगे तो आपको क्या दिखता है, ये स्टॉक्स हमारा काफ़ी दिनों से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, बहुत अच्छा मूवमेंट कैप्चर हुआ है। उसके बाद कुछ दिनों तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कंसोलिडेट किया है और ये डायरेक्ट बॉक्स से अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ से ये अपर डायरेक्शन में भी अगर 4 to 5% नियर अबाउट ये ग्रोथ लेता है तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। राइट, अब है ग्लेन मार्क को भी हम चेक करें तो ग्लेन मार्क में क्या है कि ये स्टॉक्स को आप चेक करके देखोगे आप ये पूछोगे सर ये क्या है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ये जो है ना मूविंग एवरेज वेटेड है, आपको मैं यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज वेटेड है, मूविंग एवरेज लो, मूविंग एवरेज हाई, मूविंग एवरेज क्लोज, ये तीनों को हमने एक साथ लगाया तो यहाँ से एक मुझे बेनिफिट ये मिल जाता है। आपको मैं उसका बेनिफिट भी थोड़ा सा बता के निकल जाता है। जिस एग्जाम्पल यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, राइट, यहाँ पे मुझे भी कहते तो ये जो हाई है मूविंग एवरेज हाई को टच करते हुए आप ये देखोगे कि मिडिल में क्लोज में आके रुका है और यहाँ से अपर डायरेक्शन की तरफ चला गया, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ये यहाँ या तो यहीं से ऊपर चला जाएगा या तो इसके बीच से जाएगा और या फिर इसके बीच में, तीनों एक ऐसा है हमारे पास एक लाइन एक रेंज मिल जाता है जहाँ से हम उसको कैप्चर कर पाते हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। अगर आप इसको डाउनवर्ड के डायरेक्शन में देखोगे तो क्या होता है ये फर्स्ट मूव करके डाउनवर्ड है, यहाँ पे मुझे एक साइन मिल गया कि अब ये नीचे जाने वाला है। अब दूसरा कैंडल्स बन रहे हैं कि इसी के ऊपर आके अब नीचे जाने की भी कोशिश कर रहा है, तीसरे कैंडल्स में देखो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ में आ रहा है कि अब यहाँ से नीचे ही जाएगा। राइट, ये धीरे धीरे नीचे, अगर इसमें आप कैप्चर करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे देखोगे कि लास्ट यहाँ से मूवमेंट दिया है, अब मैं क्या देखता हूँ एक यहाँ से अपर डायरेक्शन से मूवमेंट के बाद एक राइट कैंडल्स बनाया है, उसके बाद आप ये देखो इस मूवमेंट पे मीन्स क्लोज जहाँ पे है वहां से अपर डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो यहाँ पे आके बनता है। तो अगर यहाँ पे आके बनता है तो एक अच्छा खासा मोमेंट आपको 30 पॉइंट या 20 पॉइंट या 25 पॉइंट जो भी हो वो आपको मिल जाएंगे। राइट, हमें इसी तरह से कैप्चर करना होगा। आपको सबको आप चेक करके देखो कि ये इसमें प्रोबेबिलिटीज क्या है, कितने हाई प्रोबेबिलिटीज है इसके अपर डायरेक्शन में जाने के जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मोमेंट मिल जाए। राइट, उसके बाद HDFC बैंक का भी है, उसी तरह से आप देखो क्योंकि लास्ट HDFC बैंक बहुत दिनों से कुछ नहीं कर रहा था, अब इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट्स बनना शुरू हुआ। राइट, इसमें बहुत दिनों से आ रहा था, यहाँ पे मैंने नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया। आप यहाँ पे एक मैं डायरेक्ट बॉक्स बना के दिखाता हूँ, तो ये डायरेक्ट बॉक्स आपको इस जगह पे आके कंप्लीट हमें दिखा रहा है कि अब ये यस इसमें अपर डायरेक्शन का फोर्स जो है बन के तैयार है और ये ऊपर जाएगा ही, ये प्रोबेबिलिटीज और ज्यादा मैक्सिमम चांस में होते हैं। राइट, अगर यहाँ मूवमेंट होके यहाँ तक भी आता है तो आपको एक अच्छा खासा आपको 1507 मीन्स अभी कितने पे है 1455 और ये है 1500 नियर अबाउट 50 पॉइंट्स के चांसेस है आपको मिल जाए, तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटीज होते हैं हमें मिलने का, तो हम उसी हिसाब पे काम भी करते हैं और उसी के हिसाब से स्टॉक्स का सिलेक्शन और क्वान्टिटी को भी हम सिलेक्ट करते हैं। नाउ अब हम चल के आते हैं कि ऑर्डर्स में, और यहाँ पे आपको बास्केट में चल के देखते हैं तो हमारे पास मैंने दो बना के रखा है 1 और 2, तो आपको अगर पहला सेटअप को चेक कर मैंने पहले फर्स्ट यहाँ पे आके चलते हैं जिसमें कि आपके पास 5 स्टॉक्स हैं, आप इसमें देखो PIT ये है जिसमें मैंने 20 लिखा है, इसमें 30 लिया है, इसमें पावर ग्रिड 50 है और CFC बैंक में 20 है और दीपक नाइट्रेट में 10 है, तो आपको टोटल अगर देखोगे तो 22,188 का बनता है। आपके पास अगर फंड 10,000 का है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको हाफ हाफ कर दो आ जाएगा। लेट्स एग्जांपल यहाँ पे है
यहाँ पे पिन कर दो, सबको मार्केट में लेना है, डिलीवरी में किसी, यहाँ पे देखो इंटर डे लिखा है, इंटर डे डिलीवरी में नहीं है, इसको भी जैसे 30 है इसको 50 कर दो, राइट, इसको 50 है प्लस 25 कर दो, राइट, अगर ये 10 है कल की है तो हमें बस 10 करना है और कुछ नहीं करना, राइट, यहाँ पे 10 है तो हमें 5 करना, आप ये अबाउट 11,000 का बन, इसमें और कुछ भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपके पास 5,000 ही है आप उसे 5 करो, 15 है इसको 7 कर दो, राइट, 25 है तो इसमें ये अबाउट 15 ले लो, और ये 10 है तो इसमें भी हम 5 ले लेते हैं, और ये 5 है तो हमें इसमें 2 ले लेते हैं, राइट, नाउ ये 6,957 का बनता है। अगर यहाँ पे भी अगर कुछ आपको लग रहा है कि नहीं बन रहा है, आपके एक पावर ग्रिड में बहुत ज़्यादा चेंज लगते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगा, इसको मैं 5 ले लेता हूँ और यहाँ पे 10 कर, आप देखोगे नियर अबाउट 5,000 के बीच में ये बन गया। तो आप जैसे भी करना है, जो भी आपके पास फंड है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने मैनेज कर सकते हो, राइट, अपने फंड को मैनेज कर सकते हो, और उसी हिसाब से कल जब भी ये एग्जीक्यूट करेगा जो भी आपके यहाँ पे क्वांटिटीज हैं उसी क्वांटिटीज को वहाँ पे कैप्चर करेगा और उसी हिसाब से आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, राइट, जब ये स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, और आपको मैंने फिर से बताया कि वहाँ पे कैसे होंगे, 9 आपको ये 9 बजे से पहले ये कंप्लीट सेटअप तैयार होके आपके वहाँ पर आ जाना चाहिए, जैसे ही 9 बजेगा ये उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इमीडिएटली एक्सचेंज के पास रिक्वेस्ट चला जाता है और वो एक्सचेंज वहाँ से आपके पास 9:09 पे बैक होके यहाँ पे पोजीशन में दिखेगा कि आपके पास कितने स्टॉक्स आ गए एग्जीक्यूशंस के लिए। नाउ फाइनली 9:15 जैसे होंगे आपके ये ट्रेड में कंप्लीट रूप से शो करना शुरू कर देगा प्रॉफिट या लॉस, राइट, आपको इसी हिसाब से काम करना है। नाउ जब आपको रही बात कि जैसे हमें काम जैसे इसको हम कैप्चर कैसे करेंगे, दिस एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, आज का मैं देख लेता हूँ डेक्सेंस का, राइट, डेक्सन में मैं चल के देखता हूँ कि क्या हुआ, उसको मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि कल का हमारा जो सेटअप था उसमें डेक्सन था, और मैंने कहा था कभी भी डेक्सन को बहुत ज़्यादा कम नहीं करने की, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। चलिए जैसे आप देखो मार्केट हमारा आज 20 तारीख को खुला है, आप नेक्स्ट देखो, राइट, ये देखो यहाँ से ये नीचे आया, करेक्ट, अब यहाँ से अपर डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हुआ, उसके बाद धीरे थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये अपर डायरेक्शन में गया है, वो कितने बजे तक गया आप ये चेक करो, 10:06 तक, और 10:06 पे अगर आप इसमें जैसे ही दूसरा कैंडल्स बनता है यहाँ से आपको निकल जाना है। तो लेट्स एग्जांपल आपके जो पहला यहाँ पे आपका एंट्री हुआ है या फिर यहाँ पे आपको कैप्चर हुआ है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखता हूँ 132, तो 132 इंटू 5 स्टॉक भी आप ले रहे हो तो 660 रुपीज आपके यहाँ से बन चुके हैं, राइट, अगर आपने 10 लिया है 132 आपके नियर अबाउट 1320 रुपीज आपको यहाँ से बन चुके हैं, राइट, तो इसी हिसाब से आपको काम करना है, और जैसे ये नीचे जा रहा है आपको यहाँ पे टच नहीं करना है, जैसे है खत्म छोड़ दो, आप स्टॉक्स को मत करो, जाने दो स्टॉक जहाँ जाना चाहते हैं, आपके प्रॉफिट बन चुके हैं, छोड़ दो, भूल जाओ इसे स्टॉक्स में ऐसा कुछ था, प्रॉफिट बना होगा कम एग्जिट, नो मर्सी, हमें इससे कुछ नहीं करना, हमारा प्रॉफिट जनरेट करना है, बाहर निकलना है। जैसे कि आप वो देखोगे नेक्स्ट उसके पिछले दिन में क्या हुआ था, हमें यहाँ पे लग रहा है ये स्टॉक्स यहाँ पे मिल गए, अभी देखो हमारा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब आप लगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग यहीं से हुआ है तो आपको मिलेगा यहाँ से, बट उसके पिछले दिन में क्या हुआ, ये स्टॉक्स यहाँ पे मिले और
ये यहाँ से आप चेक करो तो नियर अबाउट यहाँ से गया है लेके यहाँ तक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आया है। नाउ बस की 55 तो मैंने बताया कि आपको 935 से लेके 55 के बीच में आपको देखना है और निकल जाना है। फिर ये एक स्टॉक्स यहाँ नीचे आया, एक और चांसेस दिया, आप यहाँ से एंट्री लेकर ले सकते हो, या फिर आप क्या करो जैसे आपने 10 लिया है 5 यहाँ बेच कर दे दो, फिर वेट करो यहाँ तक आने का, एक प्रॉफिट हो गया। यहाँ से फिर मूवमेंट रहता है कि एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा नियर अबाउट 134, 135 एंड 134 और कितना चाहिए बॉस, मिस 250, 250 इनटू 10, 2500 रुपये आपको यहाँ से बन रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें आपको काम करने हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, जहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको नेक्स्ट इसमें टारगेट देखोगे तो आपको बहुत अच्छा मूड है, ये जैसे कि यहाँ पे ये 2 बजे के बाद ये बहुत बड़ा रैली बनाया, आप ये देखो 2 बजे के बाद इसने फिर से एक रैली बनाया 209 पॉइंट्स का। तो बहुत ही इसमें आप मैं ये कह सकता हूँ कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा मूवमेंट था, और इस मूवमेंट को आपने कैप्चर कर लिया तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, राइट। तो आपको इसी तरीके से काम करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपके पास 2 सेटअप हैं, एक सेटअप में मैं यहाँ पे चल के आता हूँ तो आपको ये सेटअप दिख जाएगा, राइट, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे। चलो मैं इसको थोड़ा ओपन करके देखता हूँ। आपको मैंने कहा था इसमें आपका पहले में 5 सेटअप 5 स्टॉक का है, 5 स्टॉक को एंट्री करना है नियर अबाउट, उसके बाद 9 स्टॉक है वो भी एंट्री कर लेना है, और आपको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार, राइट। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि मॉनिटरिंग कैसे करना है, बाइंग कैसे करना है, एग्जिट करना है। चलो इसी में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में कैसे जाना है। इस एग्जांपल आपको क्या करना है, आपने यहाँ आया, आप सपोज यहाँ पे पावर ग्रिड में गया, राइट। पावर ग्रिड का हमें 1 डे में चेक करना है, तो आप ये देखो कि पावर ग्रिड 1 डे में क्या हो रहा है। ये आपको जैसे ही है ये यहाँ से ये हमारा जो पावर ग्रिड है वो आपको ब्रेकआउट पे खड़ा है, यहाँ से इस डबेक्स बॉक्स से अपवर्ड के तक में जा रहा है, करेक्ट। तो यहाँ से जब ये मूवमेंट करेगा तो सपोज ये चांसेस हमें ज़्यादा होता है कि इस जगह से अब स्टॉक ऐसे जगह पे खड़ा है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए अपना तैयार है। तो नेक्स्ट डे आपको यहाँ से होगा, यहाँ से अच्छा खासा 4 या 5 दिन का आपको एक अच्छा खासा रैली मिल गया, तो आप यहाँ से प्रॉफिट बना के जा सकते हो। तो जो आपने इंट्राडे के लिए लिया है उसी को आज के दिन ही या कल के लिए आप इसमें डिलीवरी में एंट्री ले सकते हो, और आप आराम से स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी जा सकते हो। तो आपको स्विंग ट्रेडिंग्स और इंट्राडे दोनों मैंने यहाँ पे बताया, और आपको उसी तरीके से काम भी करना है, राइट। चलिए आपको 2 सेटअप्स मिल गया, आपको एंट्री मिल गया, एग्जिट मिल गया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं आपको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।